हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल और केन्स थ्योरी में डिफरेंस. व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल इकोनॉमी एंड केन्स थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसेस और इनके अजम्पशंस की बात करेंगे. एज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन दिस टॉपिक. बट व्हाई आई एम कमिंग विद दिस वीडियो, बिकॉज मुझे नहीं लगा कि कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया. तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी, डिटेल हम डेफिनेटली आगे वीडियोस में करेंगे. तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं ये सारा सब कंप्लीट हो जाए, जैसे कि रिक्वेस्ट में इस वीडियो लेके आ रहा हूं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए. लेट्स स्टार्ट द क्लास. दो चीजें दिमाग में आती, द फर्स्ट कम विद अ क्लासिकल थ्योरी एंड द अदर वन कम्स नोन एज विद केन्स थ्योरी. क्लासिकल को जोड़ा था कार्ल मार्क्स के नाम से, या मैं बोलूं एडम स्मिथ के नाम से, इसे बहुत ज्यादा जोड़ा था. एंड पीपल डू बिलीव दैट इट्स देयर थ्योरी. इसके कॉन्सेप्ट क्या थे? 18th सेंचुरी शुरू हुआ, मिड 19th सेंचुरी पूरी तरह से रूलों करने लगी और इस थ्योरी के कई प्रोपोनेंट हुए. फिर बात की केन्स की थ्योरी, 1930s के बाद केन्स की थ्योरी बहुत ज्यादा आई. रीजन था क्योंकि एक बहुत ग्रेट डिप्रेशन आया इकोनॉमी के अंदर, जिसको वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन आ गया इन द ईयर ऑफ 1930s. बट यहां पे हम डिस्कस कर लेना डिफरेंस बिटवीन केन्स थ्योरी एंड अ क्लासिकल. अगर आप देखते हो बोर्ड के ऊपर, यस देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर बीइंग रिटन ऑन द बोर्ड, बट उसको थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे. पहले नॉर्मली हम बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट. क्या गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरवेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? छोटी सी सोच. इकोनॉमी अपने आप एक अपना इक्विलिब्रियम सेट कर दी, जिसको मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति दोनों अपने आप एक निर्धारित कीमत तय करते हैं किसी वस्तु की बाजार में कितने की बिकेगी. उसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी, जो किसी भी तरह से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं चाहती थी. उसको लगता था कि गवर्नमेंट जब इंटरवेंट करती है तो कहीं ना कहीं अनप्रोडक्टिव चीजें प्रोड्यूस कर देती है, तो इकोनॉमी की उसकी जरूरत नहीं है. इकोनॉमी अपने आप सेट आउट कर लेगी हर चीज को. ये थ्योरी फॉलो भी की गई 1930s तक टिल द ग्रेट डिप्रेशन का. लेकिन उससे पहले इस थ्योरी को बहुत अच्छे से रूल आउट किया गया. हर जगह इसकी बात की जा रही थी कि इकोनॉमी अपने आप काम करेगी, उसके चेंजेस देख लेंगे, किन चीजों को लेकर चलना है. तो अपना फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी, व्हाइल द इकोनॉमी कैन डिसाइड इट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, इट्स ऑन सप्लाई मटेरियल एंड हाउ इट ऑल गोइंग टू टेक प्लेस. वो थ्योरी पढ़ी हुई थी सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड. आपने पढ़ी हुई, डेफिनेटली रीड भी किया होगा अच्छे से. अब किसने कहा, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो साइड डेज की. लेकिन यहां बात की जा रही है कि डिफरेंस है क्या. तो नॉर्मली सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप बात करते हैं कि केन्स थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में, यह है रिगार्डिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन. क्या गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना चाहिए, मतलब दखल अंदाजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और अगर गवर्नमेंट दखल अंदाजी कर रही है तो किस हद तक गवर्नमेंट को इंटरवेंस करना चाहिए? तो इस पूरे केस को हम समझेंगे. तो गाइस आई रियली वांट यू टू राइट डाउन दिस. तो शुरू करते हैं यहां से क्लास. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू affect government policies. One believes that government should play an active role in controlling economic activities. उसको एक active role play करना चाहिए, ताकि वो क्या करे, economic activities को कैसे control करना है, क्या करना है, उसके changes deal करेंगे. सर हम पढ़ रहे हैं inflation के case में government आती है और market में change लेके आती है, या depression के case में government intervene करती है और एक balance की तरफ economy को लेने की कोशिश करती है. तो सर ये इंटरवेंशन आ गया, ये कौन फेवर करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे. वेयर द अदर फील द गवर्नमेंट इज बेटर लीव इट अलोन एंड रेगुलेट इटसेल्फ, कि मार्केट को अपने आप रेगुलेट कर दे. तो इससे पहले थोड़ा आगे बढ़े, ऐसा करते हैं क्लासिकल इकोनॉमी को क्लियर करते हैं पहले. केस की बात बाद में करेंगे, हम बात करते हैं पहले क्लासिकल की. इट्स अ शॉर्ट ऑफ मार्केट वेयर द फ्री ट्रेड ऑफ इकोनॉमी, वेयर द फ्री ट्रेड ऑफ इकोनॉमी वॉज highlighted or I must say approached or adopted by the companies or the industry those are ruling in economy. वो नहीं चाहते किसी तरह से गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंस करे, किसी तरह की गवर्नमेंट के इंटरवेंशन हो इकोनॉमिक एक्टिविटी में. That the industry themselves decide what they need to do, whether it's the demand or the supply of the goods or the price determination, they're going to decide their own. तो उनको यहाँ पे किसी तरह से कोई भी सर छेड़छाड़ नहीं चाहिए गवर्नमेंट की. वो कह रहे हैं हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे, हमें लेट अस व्हाट वी आर, हमें डिस्कशन नहीं चाहिए, हमें किस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, हम अपने आप सेट आउट कर लेंगे. तो ये तो हुई क्लासिकल अप्रोच. तो सर ऑब्वियस हो गया कि क्लियर केन्स फेवर करता है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन. लेकिन दोबारा क्लियर करता हूं, केन्स ने क्या किया यहां, 80% क्लासिकल अप्रोच को गलत प्रूव किया, उसके ऑपोजिट करा गया. लेकिन 20% वो भी साथ रहा, 20% उसको भी लगा कि यार गवर्नमेंट की दखलंदाजी ना यहां पे इन जगहों पे गड़बड़ हो गई.
People say they both are opposite. Yes, they are opposite, but not exactly. On a certain point, they both come on the same point. जैसे कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी जबरदस्ती इंडस्ट्री से पैसा निकलवाती है, जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में यूज हो सकता है. तो when you preparing for your examination and you are preparing for these two classical games को अच्छे लेके चलते हो, आपको कौन सा पूरे दिमाग में याद नहीं. Jump to the first point. Here we are. The Keynes and economy. अभी Keynes और economy की क्या concept है, तो समझ लेते हैं. Capitalism is good, but sometimes needs help. In good times, people earn money, spend, work, definitely. अब यहाँ पे उसने बोला कैपिटलिज्म बहुत अच्छी चीज है, कैपिटलिज्म सब कुछ ठीक है. जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है, पूरी तरह रैपिड मार्केट चल रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग पैसा खर्च रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं डट के. लेकिन इसके रिवर्स, जैसे इकोनॉमी थोड़ी मंदी होती है, मतलब स्लो डाउन होता है इकोनॉमी के अंदर, क्या होता है सर, उसका इंपैक्ट आता है सीधा कंपनीज के ऊपर, कंपनीज की अर्निंग कम हो जाती है. और जैसे ही कंपनीज की अर्निंग कम होती है, क्या कहता है, एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था. और जैसे एम्प्लॉयज को फायर किया था तो सर सेविंग तो होती नहीं उनके पास, लेकिन जिस टाइम उनको जॉब से निकाला जा रहा है तो जितने पैसे बचे रहते हैं उसको खर्चे, वो क्या करते हैं, उनको सेव करने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू सेव दैट मनी, जिसका इंपैक्ट पूरी तरह से कहां आता है, मार्केट पे आता है, कि मार्केट में स्पेंडिंग कम हो जाती है. और जब मार्केट में स्पेंडिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वर्स्ट कंडीशन है वो ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी. ऑलरेडी खराब थी कंडीशन, अब बहुत तरह बुरी तरह खराब हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने जो थोड़ी सी सेविंग थी उसको भी मार्केट में आंसर हो गया. तो उसको क्लियर करते हैं पूरा. द कैपिटलिज्म इज गुड बट सम टाइम नीड हेल्प. इन गुड टाइम्स पीपल अर्न, स्पेंड, वर्क एंड रन स्मूथली. But when economy goes downhill, the business start closing, employees get fired, people don't have money and to spend, so they save what they little have. जो उनके पास है उसको बचाने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे वो क्या जाते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट एंटरमेंट करे. तो ये केन्स की इकोनॉमी की थ्योरी है, जो बोलता है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट को आना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए. सीरीज यहाँ कूदना चाहिए गवर्नमेंट को अंदर. तो केन्स के व्यू पॉइंट से जो गवर्नमेंट का रोल हो, एक रेस्क्यू का रोल होना चाहिए, कि वो आए और आके सब कुछ ठीक कर दे. तो जंप करते हैं व्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट शुड इंटरवेंट इन द टाइम व्हेन पीपल आर नॉट स्पेंडिंग. एट दैट टाइम द गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड फिल द वॉइड, मींस उस गैप को खत्म करेगी, जो स्पेंडिंग चाहिए उसको क्रिएट करे. सर इसको दूसरे वर्ड से देखे तो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, जहां पे गवर्नमेंट आती है अपनी थ्योरी को लेकर, अपनी अप्रोच को बदलती है और मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर देती है. ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं कि आज के इकोनॉमी के हालात बिल्कुल उसी फेज में चल रहे हैं. इट्स नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इन वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी एवरीवन इज डूइंग दिस. तो गवर्नमेंट इंटरवेंट कर रही है, पूरी थ्योरी को फॉलो किया जा रहा है. यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है. ओ, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो गया कि लोग कह रहे हैं पैसा कहाँ गया, लेकिन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है ताकि पैसा मार्केट वापस जंप करे. क्यों? क्योंकि उस गैप को फिल करना जरूरी है. If nobody is going to fill that gap, तो inflation high चलेगी, unemployment on the rise होगा और economy पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. तो उसको खत्म करने के यहाँ पे government की intervention थी. लेकिन दोबारा लेते हैं, government के पास पैसा अपना नहीं है. पहले क्लियर हो, यहाँ पे दिमाग में कई लोगों आ रहा है कि government ऐसी situation में भी क्या कर रही है, कि काम खोल रही है, क्योंकि government का अपना पैसा नहीं है. government को पैसा मिलता है taxes से, वो टैक्सेस लोग से मिलेगा और उतना मिलेगा जब वो काम पे जाएंगे. तो यहां पे स्पेंडिंग दोबारा अटैक करेगी किसी टैक्सेस पे. तो गवर्नमेंट डोंट हैव देयर ओन मनी. द मनी दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड इन इकोनॉमी इज डू कम्स फ्रॉम द पीपल, जो कि उसे एक वेस्ट लगता है कि वो पैसा तो इन्वेस्टमेंट के काम आना चाहिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वेयर द गवर्नमेंट उसको टैक्स के रूप में ले रही है. तो ये तो होगी केन्स की अप्रोच. आई होप यहां पे आपको केन्स की अप्रोच क्लियर हुई होगी कि केन्स ने क्या कहा, इकोनॉमी कैपिटलिज्म उसको सही लगा, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन कब चाहिए थी. एंड नाउ टाइम टू डिस्कस अ लिटिल अबाउट क्लासिकल थ्योरी. इसके तीन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, प्राइस डिटरमिनेशन एंड द वन मोर थिंग फॉर द फ्यूचर गोल्स, इनकी बात करेंगे. जंप करते हैं फिलहाल क्लासिकल के ऊपर. क्लासिकल इकोनॉमी क्या कहती है, इट्स अबाउट फ्री मार्केट दैट रेगुलेट्स देमसेल्फ. If they are left alone, they set their own level of equilibrium. Yes, that's what I told you earlier. They set their own level of equilibrium. अपने आप एक equilibrium level set कर लेते हैं. In other words, they don't want government to interventions. उनको government intervention नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए.
अब इसके अलग अलग प्रस्पेक्टिव्स हैं, यस वी डू हैव अ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव्स। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पे केन्स क्या कहता है, केन्स की सोच अलग है। वो कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बीच में आएगी, जॉब्स क्रिएट करेगी। वेस क्लासिकल इकोनॉमी कहती है कि ये सब कुछ अपने आप क्रिएट होगा, मार्केट इटसेल्फ क्रिएट और एडजस्ट इटसेल्फ। तो जहां इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना केन्स के थ्रू गवर्नमेंट की जॉब है। जैसे कि आपने स्टेटमेंट देखा, यहां उसने बोला था कि गवर्नमेंट को रेस्क्यू ऑपरेशन लिया आना चाहिए। तो मार्केट में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को आना चाहिए इंटरवेंशन के लिए, चेंजेस में बदलाव लाना चाहिए, सो दैट इट कैन रिड्यूस दैट इन्फ्लेशन लेवल। तो उसके लिए आरबीआई क्या रोल प्ले करती है, हम अपना आरबीआई नॉट द वर्ड सेट, अभी ये इंडिया के पॉइंट से बोलते हैं। तो आरबीआई क्या रोल प्ले करती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, सारी आएंगी। लेकिन क्लासिकल अप्रोच पूरी तरह से डिपेंड करती थी कि उसमें गवर्नमेंट का रोल जीरो था, वो कहती गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, हम अपने आप प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट लेवल जो आपको क्लियर करना था, जो आपके लिए जरूरी था, वो था अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट पॉइंट दैट यू गाइस नीड टू क्लियर इज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो ये तो हो गया सर केन्स की थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी को मैं बताया। दूसरे बार अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट प्राइसेस एंड मार्केट इन्फ्लेशन। अब ये सेकंड पॉइंट था, दैट इज प्राइसेस एंड मार्केट इन्फ्लुएंसेस। मार्केट कैसे इन्फ्लुएंस होती है, मार्केट के चेंजेस क्या है, प्राइस को कैसे रोका जाएगा। दोबारा आप बेसिक्स पे जाएंगे, उन बेसिक्स को फॉलो करेंगे जो अभी भी बोलेंगे। तो प्राइस और मार्केट इन्फ्लेशन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये हो गए फर्स्ट टू पॉइंट्स, देन यू नीड टू कम टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। The future growth of economy. तो दो चीजें मैं बहुत अच्छी हो जाए, जब हम बात करते हैं केन्स की, तो केन्स क्या कहता है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। वो कह रहा है हर चीज बस अभी हो जाए, वो सिर्फ अभी वो प्लान कर रहा है कि फिलहाल जो सिचुएशन को ठीक कर दिया जाए, कि भाई मार्केट नीचे जा चुकी है, गवर्नमेंट फटाफट इंटरवेंशन करो, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक है, गवर्नमेंट वापस हो जाए, फिर मार्केट में सेट हो जाएगी। लेकिन क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल थ्योरी हमसे लॉन्ग टर्म की बात करती है, मार्केट लॉन्ग टर्म तक सेट होनी चाहिए, हर चीज अपने आप नहीं होती है, उसके लिए टाइम लगता है। तो ये वो तीन पॉइंट थे आपको जो ध्यान रखने थे, एंड वाइल आई डू द आंसर इन एग्जामिनेशन यू गाइस नीड टू क्लियर ऑल द बेसिस। जो बोर्ड पे हैं, जो नहीं मैंने बताए वो सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे। फॉर मोर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो, सो दैट यू कैन वॉच द अदर वीडियो ऑल्सो एंड द प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। Till then, keep watching, guys.